हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं अपने चैनल रसोई रूम से रानी में रानी आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए, मैं अपने किचन में आज कौन सी रेसिपी बना रही हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँगी। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक यूनिक सी रेसिपी है। तो ये हमने एक चावल ले लिया है, चावल को मैंने बना लिया। देखो बिल्कुल गर्मा गर्म भाप जो निकल रही है ना, आपको पता लग गया बिल्कुल फ्रेश चावल है। इसके लिए हमने लिया ढेर सारा धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। बस इतने आइटम से ये मेरा रेसिपी बन के ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। और तड़का लगाने के लिए ले लिया हमने चना की दाल, राई, लाल मिर्ची और जीरा। एक मिक्सी का जार लेंगे, जार में मैं डाल दे रही हूँ प्याज, अदरक, लहसुन और ये ढेर सारा जो धनिया की पत्ती है ना, और ये पुदीने की पत्ती, सबको डाल के मैं क्रश कर लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी लिया है। आपके पास अगर पाउडर ना हो तो आप साबुत वाले भी कोकोनट ले सकते हैं, फ्रेश कोकोनट, सूखा कोकोनट, आपको जैसा मिले आप ले सकते हो। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल इसका एक पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस मीडियम। और इधर हमने डाल दिया है कढ़ाई, सेकेंड प्रोसेस की ओर बढ़ते हुए कढ़ाई को गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल की मात्रा इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी। ये डिश जो है ना फ्रेंड्स, साउथ इंडियन डिश है। साउथ में ज़्यादातर लोग चावल को कभी ग्रीन राइस, कभी टोमेटो राइस, कभी इमली राइस बनाते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर कर दूँ, बेंगलोर में जो रहती हूँ। तेल मेरा गरम हो चुका है, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल के फ्राई कर लेती हूँ। साउथ इंडियन डिश में मूंगफली, नारियल, ये सब तो मेन जान होती है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये डिश बन के तैयार हुई थी। आप लोग इसे ज़रूर बनाना, ट्राई करना, लंच में बनाना, शाम के खाने में बनाना, आपकी मर्ज़ी है। जब भी जी करे बना के ज़रूर खाइए, फटाफट से बन जाती है। और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है ना फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, फुल वॉच के साथ वीडियो देखना। बातों बातों में मेरी मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है और तेल देखिए कितना गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है ना। बस गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और आगे की प्रोसेस की ओर लग जाइए। आगे की प्रोसेस में आपको पता ही है तड़का के लिए मैंने क्या क्या लिया था, फिर से नहीं बताऊँगी, एक बार मैंने बता जो दिया है। और इसमें डाल दीजिए ढेर सारा करी पत्ते, लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची को मैंने साफ अलग कर लिया, अब जल जाएंगे ना, बहुत तेज़ गर्म है तेल। और ये गया करी पत्ता। उसके बाद मैंने ये जो पेस्ट बना के रखा था ना, धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती, अदरक, लहसुन और नारियल का, उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में। कौन कौन से फ्रेंड्स के लिए ये रेसिपी यूनिक है मुझे ज़रूर बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। आप लोग का एक कमेंट ना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब इसे फ्राई करनी है ताकि धनिया की पत्ती की जो कच्चा वाली वो स्मेल आती है ना, थोड़ा सा दूर हो जाए। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसे हल्की भुनाई करते रहिए। आज सटरडे का दिन था, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा हल्का फुल्का बना लिया जाए। तो मुझे बच्चे मेरे बहुत लाइक करते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये वाली रेसिपी ट्राई किया जाए। इधर देखिए मेरा चावल भी ठंडा हो गया, फिर मैंने इसे डाल दिया है कढ़ाई में। ये रेसिपी फ्रेंड्स आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं आराम से, ट्रेन में, एक दिन चलेगा, ख़राब तो नहीं होता है। बच्चों की टिफ़िन में दीजिए, हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जिसे भी दीजिए इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को। इसे फटाफट से फ्राई कर लीजिए, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है पुदीने की, हरी मिर्ची की और धनिया की पत्ती की। उसके बाद इसमें मैंने मूंगफली जो भून के रखा था उसको डाल दिया है। लास्ट में मैंने डाल दी हूँ नमक और उसके बाद फिर से इसको भुनाई करूँगी। गैस का फ्लेम लो ही रखूँगी ताकि ये जले नहीं। रोज़ रोज़ दाल चावल खा के बोर हो गए होंगे, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप पापड़ के साथ सर्व कीजिए, रायता के साथ सर्व कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो बस पुलाव बनाए, ग्रीन राइस बनाई है और इसको सलाद के साथ सर्व किया है। आप लोग क्या बनाए हो आज मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों, यकीन मानिए स्वाद भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।